अब जो पेपर है वो हमारे पास है डीपीटी थर्ड का, इलेक्ट्रो का, सप्ली का पेपर 2021 का। इसमें जो एमसीक्यूज बताए हुए हैं ये मोस्टली रिपीटेड है और न्यू भी इसमें बताए हुए हैं। एमसीक्यूज के अभी मैंने नहीं देखे कि ये जो मार्किंग हुई है आंसरिंग की ठीक है कि नहीं। आप एक दफ़ा खुद चेक कर लो, अगर किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ लेना। ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट बताया हुआ है जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन बताया है लिस्ट द नेगेटिव आयंस एंड इंडिकेशंस। साइंटोफ्रोसिस के चैप्टर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव वाले लिखा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है ये जो जगमोहन वाली इलेक्ट्रोथेरेपी की बुक है ये वहाँ से करना है। कंस्ट्रक्शन वर्किंग स्पेक्ट्रम हमने लिखना है क्रायोमाइल लैम्प का, तो ये वहाँ भी जगमोहन वाली बुक के अंदर इलेक्ट्रोथेरेपी के लिखा हुआ है। डिफेंस सेंसिटाइजर एंड एजेंट फॉर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ये भी वहाँ लिखा हुआ है। हॉट पैक्स और हॉट पैक वर्क कैसे करते हैं, इफेक्ट्स यूज ये भी वहाँ लिखा हुआ है। और इसका थर्ड एक क्वेश्चन है नर्व की इंजरी क्लासिफिकेशन, जिसमें सीडन क्लासिफिकेशन भी आती है, इसमें वो हमने क्लासिफिकेशन लिखनी है। नेक्स्ट जिसमें जो थे सीडन क्लासिफिकेशन है और एक जिसमें न्यूरोपैरेक्सिया न्यूरोमेटासिस ये वाला सारा लिखना है। डिफाइन डिफरेंट वेज हाउ हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर, तो इसमें वो जो चार आते हैं कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन वेपोरेशन ये वाला लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, तो ये जो इलेक्ट्रोथेरेपी की क्लेटन वाली बुक है, क्लेटन या क्लाइटन जो भी पता हो आपको, ये उस बुक का क्वेश्चन है। और लेजर की प्रॉपर्टीज़ और डिफाइन की हमने मोस्टली ओवरऑल पेपर की प्रिपरेशन जगमोहन वाली बुक से करनी है, इलेक्ट्रोथेरेपी की क्लेटन में से सेवी मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म ही ठीक है। ये जो लॉन्ग में क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ड्यूरेशन का, ये बहुत बार आया, ये क्लेटन वाली बुक से करना है। अगर मोर अच्छा प्रिपेयर करना है जिसमें अलग-अलग मार्किंग भी बताई हो तो ये जगमोहन वाली बुक में इसकी डायग्राम और डीनर्वेशन जो सी मसल की है और इनोवेटेड ये बहुत अच्छी बताई हुई है। इंडिकेशन बतानी है कंप्रेशन एक्सटर्नल जूस की, तो ये सरगुजा यूनिवर्सिटी की स्लाइड या कंप्लीट जो वहाँ से करना है। और लेज़र का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन हुआ है जगमोहन वाली इलेक्ट्रोथेरेपी की बुक के अंदर। तो मोस्टली जो पेपर की प्रिपरेशन है वो जगमोहन इलेक्ट्रोथेरेपी की बुक से ही करनी चाहिए, क्योंकि उसमें ज़रा अच्छे डिमार्केशन की होती है प्रॉपर्टीज़ की।